मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर मंदिर की तरह केक काटने पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने इसे हिंदू की आस्था से खिलवाड़ बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ हनुमान जी को केक पर बना रहे हैं और केक को काट रहे हैं। यह हिंदू धर्म सनातन परंपरा का अपमान है जिसको यह समाज स्वीकार नहीं करेगा। वहीं इसको लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ को मानसिकता बदलनी चाहिए। कमलनाथ और राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, ये हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं। कमलनाथ को भगवान के मंदिर को टुकड़े टुकड़े करने पर माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। छिंदवाड़ा के शिकारपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को अपने जन्मदिन से पहले केक काटा। केक मंदिर की तरह बनाया गया था और उस पर हनुमान जी की तस्वीर और झंडा लगा था। मंदिर का केक काटने और जश्न मनाने को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कमलनाथ इसको लेकर अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेसी बगुला भगत है, उन्हें भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी है जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी। कांग्रेस को लगा इसकी वजह से वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोटों के लिए उनको हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, हनुमान जी को कमलनाथ केक पर बनाकर काट रहे हैं। ये हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का अपमान है जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा, सपने देखते रहो। ये भारतीय जनता पार्टी है और जो जहाज डूब रहा है उसमें जाएगा कौन? देखिए बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भले ही हनुमान जी का मंदिर बनाया है, उनकी मंदिर में जरा भी आस्था नहीं है। कमलनाथ और राहुल गांधी हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मिश्रा ने कहा कमलनाथ और राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। राहुल गांधी कहीं भी मंदिर नहीं गए, लेकिन मध्य प्रदेश आते ही वे मंदिर जाने लगते हैं। उन्होंने कहा कभी जूते पहनकर भजन गाया जाता है, तो कभी मंदिर के टुकड़े टुकड़े करने वाला केक काटा जाता है। मिश्रा ने निवेदन किया कि हिंदू की आस्थाओं से खिलवाड़ करना कमलनाथ बंद कर दें, बार बार हिंदू की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कमलनाथ द्वारा केक का मंदिर बनाकर उसे टुकड़े टुकड़े करना महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की याद दिलाता है। मंदिर की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग, मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था, ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी, आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। ये विवाद जो आप जानबूझ के धर्म के खड़े करते हैं, अभी दो दिन पहले जूते पहन के भजन गा रहा था, ऐसा मत करिए। लगातार कुठाराघात मत करिए और भगवान से जो टुकड़े टुकड़े किए हैं आपने चित्र के, मंदिर की प्रतिकृति के, उसके लिए भगवान से माफी मांगिए। श्रीराम हनुमान के काटने के विवाद के बीच छिंदवाड़ा के प्रभारी एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौका परस्त हिंदूवादी हैं, सारे के सारे नास्तिक हैं। जिस पार्टी के नेताओं ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व को ही ठुकरा दिया हो, तो उनसे क्या आशा की जा सकती है।
इतना जरूर कहा जा सकता है कि वोट बैंक के खातिर यह सब धार्मिक बन रहे हैं, लेकिन इनके धार्मिक बनने से हमारी पार्टी की जीत है। कमलनाथ को चाहिए था कि वे भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान की पूजा करते, ना कि पाश्चात्य संस्कृति में भगवान श्री राम और हनुमान का केक काटते। धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ यह लोग करते ही रहते हैं, इनकी आदत में है। देखिए, कमलनाथ जी हो या कांग्रेस ही हो, वैसे तो ये सब नास्तिक हैं, भगवान को मानते नहीं है। कहते थे भगवान काल्पनिक है, राम जी का कहा अयोध्या मंदिर तो कहते थे काल्पनिक है, लेकिन अब वो देश के अंदर एक नई क्रांति आ गई, राम मंदिर निर्माण हो गया, इनको समझ में आ गया तो वोट की राजनीति के लिए अब ये धार्मिक बन रहे हैं। तो अच्छी बात है कि नास्तिक आस्तिक बने, ये हमारी सफलता है। ये हमारे आंदोलन जो था ना, राम जन्मभूमि आंदोलन, उसकी जीत है कि अब ये नास्तिक भी आस्तिक हो रहे हैं और भगवान को माने, लेकिन भगवान को अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार उसकी पूजा अर्चना करें, ना कि पाश्चात्य संस्कृति का केक काटें। तो इसकी तो जनता भी आलोचना कर रही है, ठीक नहीं है। आखिर पूर्व सीएम कमलनाथ को मंदिर का केक काटने की जरूरत क्या थी, या कांग्रेस के लोग अति उत्साह में ये बड़ी गलतियां कर रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं पता हिंदू धर्म में केक काटने की प्रथा नहीं है। मंदिर के आकार का केक काटना यानी आग में घी डालने जैसा रहा। कमलनाथ को हनुमान भक्त माना जाता है, लेकिन केक काटते समय कमलनाथ भूल गए कि इसमें भगवान हनुमान की मूर्ति भी है। कमलनाथ की हनुमान भक्त की छवि को धूमिल करने का प्रयास उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।